IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं। इन तमाम पार्टियों ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं और मेहनत कर रही हैं कि किसी तरीके से इन दोनों सीटों पर विजय हासिल की जाए। इसी कड़ी में RJD जो है वो लगातार इस फिराक में है कि JDU की सीटिंग सीट को किसी तरीके से हासिल किया जाए। यही वजह है कि तेजस्वी यादव आधी रात को तारापुर पहुंच गए और तारापुर पहुंचने के बाद जो जनसैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से जब तेजस्वी यादव तारापुर पहुंचे तो किस तरीके से जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ा और वहां पर लोगों ने तेजस्वी यादव का काफी समर्थन किया। आप एक बार तस्वीरें देखिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद जनसैलाब उमड़ पड़ा है और जनसैलाब उमड़ गया उसके बाद तेजस्वी यादव ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, दोनों ही सीटों पर RJD अपना झंडा गाड़ेगी। ये बहुत अहम बात है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटें तमाम पार्टियों के लिए साख की बात बनी हुई है। दोनों ही सीटें तमाम पार्टियों के लिए इज्जत का सवाल बनी हुई हैं और ये तमाम पार्टियां चाहती हैं कि इन दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार जो भी खड़े किए गए हैं वो जीत दर्ज करें, क्योंकि आने वाले समय में ये दोनों ही सीटें ये तय करेंगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भविष्य हो सकता है ये तमाम पार्टियों का। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर मेहनत कर रहे हैं कि इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें और आपको छोटी बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।